वेलकम बैक जी, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर मेरी तमाम सहेलियों को और उनके घर वालों को। इधर देखूँ या इधर देखूँ, डिसाइड कर ले जी। खुश आमदीद कहते हैं और इस वक्त हमारे साथ, आप लोग जानते हैं कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे साहिर अली बग्गा से, जिन्होंने इतनी खूबसूरत हमें हम सुनाई और वाकई जैसे कहते हैं ना, ईमान ताज़ा हो गया। इस वक्त हमारे पास एक कॉल है, आपके लिए एक कॉल है, देखते हैं कौन है और आप पहचानते हैं उनकी आवाज़ कि नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। हेलो जी। जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और कहीं साहिर अली से जो भी आपको कहना है। अस्सलाम वालेकुम बग्गा भाई। वालेकुम सलाम। मैं कह रहा हूँ कि बहुत हैरत हो रही है कि आप इतनी सुबह सुबह उठ के हैं, सारी रात काम की है। आपके कोई जानने वाले हैं? आप पहचान लें कि कौन है? ये आफताब है। अच्छा जी, आफताब अली सोनू, कैसे हैं आप और क्या कहेंगे हमें कोई बग्गा साहब के बारे में? ये बात तो आपने बता दी। मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ कि ये इंसान नहीं, ये एक फरिश्ता है बस। अच्छा, अरे वाह जी वाह। कैसे इनको? मैंने तो इंसान समझ के बुलाया था। ये गॉड गिफ्ट है हमें सबको, पूरी फैमिली को, स्पेशली मुझे। शुक्रिया आपका। अच्छा अच्छा, कोई इनकी ऐसी खूबी बताइए, जैसा आपने हमें ये कह के कि ये फरिश्ते थोड़ा डरा दिया, मगर कोई ऐसी खूबी बताएं। गायब हो जाऊंगा बैठे बैठे यहाँ पे इसकी ये। बिल्कुल, कोई ऐसी खूबी बताएं जो देखने वालों को ना पता हो, क्योंकि ये बहुत कैमरा शाये हैं, लोगों के सामने नहीं आते, काम बेशुमार करते हैं, बेइंतहा करते हैं, मगर टेलीविजन पे नहीं आते। तो क्या ऐसी खूबी है इनकी जो आप चाहेंगे? रात को भी स्टूडियो में इब्राहिम भाई का काम चल रहा था और उनकी ये एक खूबी है कि ये शो नहीं कराते कि मैं क्या हूँ। तो मुझ में क्या है कि मैं क्या हूँ, एक तो होता है ना, लोग करते हैं कि मैं ये हूँ मैं ये हूँ। ये फनकार वही होता है कि जो वो कहते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। क्या बात है, बिल्कुल फनकार। मेरा फेसबुक फ्रेंड है। अच्छा, ऑल राइट, फ्रेंड कम फैन। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच, इन्होंने आपको कॉल की और बहुत मजे की और बहुत ही प्यारी सी बात बताई। अच्छा, हमने ये सुना है कि आप जो नया टैलेंट है उसको भी बहुत प्रमोट करते हैं। वो हम एक प्रोग्राम करते हैं पीटीवी पे, विरसा। अच्छा, वो यूसुफ अली साहब आप जानते होंगे। बिल्कुल, वो है हमारी हमने वो प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसमें बड़े सिंगर आए हैं, आपने देखे भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अलीबास है, काफ़ी लोग हैं। तो वो यूसुफ साहब की, फरक बशीर साहब की बड़ी मेहनत है साथ, मैं भी उनके कर रहा हूँ, बहुत सीनियर लोग हैं वो, मेरी खुशकिस्मत ये है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और ये एक बड़ा अच्छा, हमने एक ट्रेडिशन प्लस के नाम से हमने एक ये कंपनी भी स्टार्ट की है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, तो इस वक्त जो अभी आपके जेरे असर जो बच्चे हैं, जो यंग टैलेंट है, उनमें कौन ऐसा है जो आपको लगता है कि एक आने वाले वक्त में जो है वो वाकई स्टारडम हासिल करेगा? अभी थोड़ा सा मसला ये है कि हम अभी जो नज़र आ रहा होता है कि इसमें टैलेंट है, इसको करना चाहिए, उसका हम अभी पहली स्टेज पर लेके आते हैं तो उसका माइंड थोड़ा सा और वो खुद ही ना दिमाग खराब हो 10th स्टेज पर पहुँच जाता है। सही, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये समझना पड़ेगा। सुन लें जरा। हाँ, तो जो जिसको मतलब हम कह रहे हैं कि भाई ये आपकी फर्स्ट स्टेज या सेकंड है, तो उसको भी समझना चाहिए कि वाकई ये फर्स्ट और सेकंड ही है, वो अपनी तरफ से ये 7, 8, 9, 10 ना बना ले। कहते ना स्लो एंड स्टेडी। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है। पहले दिन ही नंबर 1। मैं मुझे काफ़ी होता है, लोग कहते हैं कि आप इधर ही भी आए, ये भी करें, वो करें, जैसे आप करिए, मैं सामने आता ज़्यादा, मुझे लगता है मेरे में कुछ कमियाँ हैं, मुझे अभी वो कंप्लीट कर लूँ पहले मैं, फिर इंशाल्लाह मैं करूँगा सारा कुछ। नहीं, लेकिन इंशाल्लाह। लेकिन वो कुछ चीज़ें हैं वो टाइम पर सही लगती हैं मेरे ख्याल से ना। तो वो मेरा मैसेज भी यही है, जो अच्छा टैलेंट है उनको बड़े आराम से और सोच के काम करना चाहिए, और सीनियर जो कहे उसके मान लेनी चाहिए। बिल्कुल सही, ये बड़ी जरूरी चीज है। पंजाबी में कहते हैं हाथ हौला रखो। बिल्कुल, हाथ है ना, वो एकदम स्टाइलिंग करके तो वो सारा कुछ करके तो ना वो असल काम, फिर अपना जो उनका टैलेंट होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, वो मॉडल ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। आई एग्री विद यू, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से। अच्छा, आपने हमारा शो पे आए और आपने देखा कि हमारे यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी मेरी सहेलियाँ आए हैं, जितने लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स आजकल किसके साथ नहीं है, मगर जिनकी होती है ना, वो हमें कॉल करके हमें अपने दिल की बात कहती हैं। पिछला जो एक हफ्ता गुजरा उसके अंदर हमें ऑन एक ग्लास, एक प्लेट और एक कढ़ाई, आप परेशान हो गए होंगे, इनकी कॉल्स आईं और उन्होंने बड़ी अपनी परेशानी का इजहार किया, बहुत परेशान थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आई ना, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये भी और एक और कॉल है इस वक्त, आज किसकी कॉल है जी?
अच्छा, तो उनके बहुत मसले मसाइल थे, ग्लास प्लेट और कढ़ाई की, बाल्टी की कॉल तो नहीं, बाल्टी की नहीं, आज ग्लास की कॉल है। मगर हमने दो दिन जो हमारा हफ्ता और इतवार था ना, हमने उनका मसला हल कर दिया, तो आज वो बहुत खुश हैं। तो एक और कॉल है ग्लास की, वो हम सुनना चाहेंगे, देखते हैं उनका मसला सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं वही ग्लास, मगर आज मुझ में बड़ा फर्क है। अच्छा, कैसे? जो खुशी मुझे मिली है उसमें सारा हाथ आपका है। शुक्रिया। ना आप मेरे बारे में बोलती, ना मेरी जिंदगी में सुकून आता। हम तो हैं ही आपके लिए जी। अब तो घर वाले जिस डिश वॉश से मुझे साफ करते हैं, उससे ना सिर्फ मैं चमक उठा हूँ, बल्कि रौनक आती है मुझ में। क्या बात है, अब अपने आप अच्छा लगने लगा है मुझे। अच्छा, नाम तो बता दो। बस अब सबको बता दें कि अगर हमें इसी तरह खुश देखना चाहते हैं, तो ले आइए अपने घर भी नया विम डिश वॉश, ताकि हमारे साथ उनकी जिंदगी भी सुकून में आ जाए। बिल्कुल। तो फिर हमारी खुशी के लिए ले आइए नया विम डिश वॉश। बिल्कुल ठीक है जी, सुन ली, मैं भी आज यही करूंगी, जाऊंगी और खरीद के लाऊंगी, ताकि मेरे घर के ग्लास जो है वो रोते ना फिरें। और मेरी सहेलियों ने भी सुन लिया होगा कि इन दो दिनों के अंदर हमने ये कमाल दिखाया कि हमने ग्लास की जो है वो तो परेशानी दूर कर दी, और अब हम वही करेंगे जो उन्होंने कहा कि विम खरीद के लाएंगे। आपके घर के अगर ग्लास परेशान हो तो आप ये कीजिएगा, इतने परेशान बैठे में बगा जाओ, इनके नंबर दे दें, मैं इनसे पूछ लूंगा, इनका नंबर हम आपको जरूर देंगे। अच्छा भगत, एक आपने जो गाना जो कि गाया राहत ने विरसा में, मगर वो बेसिकली आपके नाम से वो गाना बना, आपने बनाया, आप ही ने गाया, और कहते हैं ना कि बनाता कोई है मगर नसीबों में हिस्से में किसी और के चला गया, मगर वो है तो क्योंकि आपका। तो हम ये चाहेंगे कि देखने वाले जो देख रहे हैं, हम ये बताते चलें आपको कि विरसा का जो ये गाना था मैं तेनू समझावा की, वो बनाया भी इन्होंने था, कंपोज भी इन्होंने किया था, और गाया भी इनिशियली इन्होंने था। और बड़े अजीम होते हैं वो लोग जो अपनी बनाई हुई और अपनी गाई हुई चीज़ें सिर्फ अपने मुल्क के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए राहत फतेह अली खान को उन्होंने दिया। और राहत कहा, मेरे से अच्छा गाया था गाना ये बात नहीं, शी इज़ वेरी गुड सिंगर, नो डाउट, वो तो खैर कंपोजर, उन्होंने बड़ा अच्छा गाया। मैंने तो ये असल में मैंने गाया मैंने ही था पहले, अगर जब राहत ने गाया उसके बाद मैंने नहीं गाना था, ये हमारा प्रोग्राम था विरसा में, तो विरसा जो शो हम हवेली में करते हैं बिल्कुल पीटीवी के लिए, तो वहाँ पे राहत ने ही आके गाना था। अच्छा, तो वो राहत कराची से फ्लाइट थी, वो नहीं आ सका, तो उसी ने मुझे कहा कि यार तुम गा दो, वहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, वो मैंने वहाँ पे गाया, तो फिर वो पीटीवी ने इतना चलाया कि वो लोग, नहीं तो वही रब ने आपको देना था उसका क्रेडिट। आए जी ये गाना जरा, हम चाहेंगे कि प्लीज हम चाहेंगे कि ये दें, और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अब हम आपको बुलाते रहेंगे। पहले मैंने 3 महीने कहा था, अब मैं कहूँगी 2 महीने में आप एक दफा हमारे शो पे होंगे, प्लीज आइए जी। तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू या जा समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी, हाय तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू या जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लग
मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਲੱਗਦਾ।